बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक टॉपिक पर बात करने के लिए जो कि बड़ा अलमनाक सा टॉपिक है। आजकल हमारा जो एरिया गुजरात खा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, मंडी में भी इधर हर जगह हर हो रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में काफ़ी हो रहे हैं। अब मसला ये है कि मैं बतौर बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, और यकीनन जो आप में से भी वालदैन देख रहे हैं अपने बच्चों से इंसान को कितना प्यार होता है वो जानते हैं। ठीक है कि इंसान यानी कि कहते हैं मैं कुछ भी करूं, मेरे बच्चे जो हैं उनको कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका हर तरह से ख्याल रखूं, उनके ख्वाहिशें जो हैं पूरी करूं। अभी बच्चे जो हुआ और इस मसले का हल क्या है? जो हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, रोडें हैं टूटी हैं, जीटी रोड टूटा हुआ है, कोई इधर है कोई उधर है, जो इनके अपने काम करने वाले हैं वो कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च भी रोकना है लोगों को, घरों में भी जाकर रोक लेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, मारेंगे, सब कुछ कर लेंगे, यानी मुश्किल काम है कर लेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे लोगों जेल। लेकिन ये जो आवाम के मसले इनके मसले नहीं हैं। ठीक है जी, तो देखें इस मसले का हल क्या है। ये जो बच्चों को अगवा किया जाता है, मैं इसका हल बताने लगा हूँ। पहले नंबर पर तो ये है, ये जो लोग अगवा करते हैं इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, और सज़ा ये नहीं कि पकड़ा है जेल में डाला है तफ्तीश लंबी कर रहे हैं, एक हफ्ते का टाइम हो उसके अंदर इनको बड़ी बुरी मौत मारा जाए, पब्लिक में मारा जाए, इनकी ऐसी मौतों के लोग देखें। अब किसी का बच्चा अगर अगवा होता है, वो बंदा ना मरा हुआ है ना वो जी रहा है, वो तो मर गया है यार, वो जिंदा है। मतलब अजीब बात है ना, जो वालदैन हैं वो खाना खाएंगे, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होगी, सारी उम्र अगर ज़िंदा भी रहे परेशान गम नींद रात को आएगी। तो वालदैन के साथ ये जुल्म है, अपनी कौम साथ क्यों जुल्म कर रहे हो? इन लोगों को इबरत का निशान बनाओ, ये काबिले ज़माना या काबिले माफ़ी जुर्म नहीं है, इसके लिए लहदा से कोई अदालती सिस्टम या जो भी आप बनाएं यार, इस सिलसिले को ख़त्म करें। ये एक मजाक बन गया, बच्चों को जुल्म करते हैं, उनके हाथ काट कर कराची बलोचिस्तान कहीं ले भीख मंगवाते हैं, उनके अजाब बेचते हैं, बहुत बड़ा जुल्म है। बच्चियों को बाहर बेचते हैं जना के लिए जो वगैरह में, या और मतलब गलत काम लेते हैं। तो मेहरबानी करें, हुकूमत से मेरी गुजारिश है, खुदारा खुदारा इसके खिलाफ आप सख्त तरीन एक्शन लें। जो ऐसे नासर उन्हें इबरत का निशान बनाएं, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है। किसी घर चोरी हुई है, कुछ टाइम बाद वो रिकवर हो जाता है तो बहुत बड़ा जुर्म ना, मतलब किसी के साथ ज्यादती है, किसी के साथ भी ना हो, किसी की हकला कमाई है, लेकिन उस चीज़ के वक्त के साथ सेटल हो जाती है, लोग कमा लेते हैं। लेकिन अगर किसी का बच्चा अगवा हो गया है तो वो तो ना जीता हुआ है ना मरा हुआ है, वो ख़त्म हो गया, जिंदा लाश है। तो बर मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश करूँगा इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें, और जो इस तरह के हैं मुलजमान उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, इबरतनाक सजा दें, ताकि ये सिलसिला है थम सके और हमारे बच्चे महफूज रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा, जो मैंने बातचीत की इसके बारे में सर अपनी राय का लाजमी इजहार करें। अपने ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।